अभी बजट का जिक्र हो रहा था, तो ये बजट किसके लिए बना है ये हम लोगों को समझना जरूरी है। बजट बनाते समय क्या समाज के गरीब वर्ग का ध्यान रखा गया, क्या समाज के पिछड़ों का, दलितों का ख्याल रखा गया, क्या इस बजट में आम आदमी की कोई चिंता है? अगर आप पूरे बजट को देखेंगे तो यह बजट इस देश के लोगों को निराश करने वाला बजट है। एक ऐसा बजट जिसमें युवाओं के रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया, एक ऐसा बजट जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया, एक ऐसा बजट जिसमें किसान की आमदनी दोगुना कैसे हो जाएगी 2022 तक, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। देश के अंदर महंगाई कम कैसे होगी, टैक्स में कैसे राहत मिलेगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। कर्मचारी वर्ग को उम्मीद थी कि शायद उनका स्लैब बढ़ाया जाए, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद थी कि शायद उनके लिए कोई योजना सरकार लेकर आएगी, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। जवान की शहादत पर वोट तो मांगते हैं भाजपा के लोग, लेकिन डिसेबल्ड पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगाने का काम इस सरकार ने किया है, ये इस बजट की सच्चाई है। और बजट में 250 करोड़ तक जो पहले अपना व्यापार करने वाले बड़े बड़े पूंजीपति थे उनको 5% टैक्स की छूट थी, अब नए बजट में उस सीमा को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया, 400 करोड़ रुपए उस सीमा को कर दिया गया। इस बजट में साफ संकेत दिया गया कि देश की सरकारी कंपनियों को बंद करने की सरकार की योजना है, पीएसयूज को बंद करने की योजना है, एयर इंडिया को बंद करने की योजना है, रेलवे के निजीकरण की योजना है। यानी सरकारी क्षेत्र जब खत्म हो जाएंगे तो आपकी जो आरक्षण की लड़ाई है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर किस बात के लिए आरक्षण होगा? सब जब निजी हाथों में चला जाएगा तो जो उनकी मूल मंशा है, और जब 10% आरक्षण सवर्णों का लेके आए, पार्लियामेंट के अंदर मैं अपने साथियों से हाथ जोड़ जोड़ के समझा रहा था कि एक शुरुआत है समझिए, खतरनाक शुरुआत है समझिए, उस समय कोई समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये वो पार्टी है जिसने 90 साल तक, और ये सच है कि 90 वर्षों तक आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित और पिछड़ा आज तक नहीं हुआ, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। आज इनके राज्यों के अंदर क्या हो रहा है, कल जौनपुर में 3 दलितों को नंगा करके पीटा गया, गुजरात में ऊना में क्या हुआ था, दलितों को नंगा करके पीटा गया, क्या हो रहा है? अगर मिड डे मील बनाने वाली कोई महिला दलित समाज से है तो उसका खाना खाने के लिए बहिष्कार कर देते हैं, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुस्तान की आजादी के 72 साल हो गए, अगर इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की मूल भावना को अगर हम लागू करवाने में नाकामयाब हैं, फिर हमको बड़ी बड़ी बातें करने का कोई हक नहीं है। 10% आरक्षण हुआ, उस समय सबने ताली पीट के पास कर दिया, 24 घंटे के अंदर संविधान संशोधन हो गया। और जिन लोगों को आवाज उठानी थी, मैं नाम ले लूंगा नहीं लूंगा उन दलों को, वो लोग भी खामोश रहे, दुर्भाग्य इस बात। और हुआ क्या, ये सरकार अपना प्रोडक्ट बेचने के मामले में माहिर है, कोई भी काम ये लोग करते हैं ऐसा प्रचारित करते हैं, टीवी इनके पास है, मीडिया इनके पास है, रोज शाम को हिंदू मुसलमान पे मुर्गा लड़ाते रहते हैं बैठाल के, तो कोई भी काम ये करते हैं उसको प्रचारित इस तरीके से करते हैं जैसे आपको बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। कहने लगे साहब जीएसटी लेके आए, वन नेशन वन टैक्स, हिंदुस्तान के लोगों तुमको आजादी देंगे रात को 12 बजे, लता मंगेशकर का गाना सुनिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, पूरा संसद इकट्ठा हुआ है,
जीएसटी पास हो रहा है, वन नेशन वन टैक्स, 5% का टैक्स बढ़ा के 22% कर दिया गया, टैक्स बढ़ाने का आपसे जस्ट मनवा दिया गया, आप लोग ताली बजा रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है। वन नेशन मल्टीपल टैक्स है जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स नहीं है, टैक्स के तमाम स्लैब कर दिए गए, लेकिन आपसे कहा गया जश्न मनाइए। इसी तरीके से क्या कहा गया दलितों और पिछड़ों को, बोले देखो भाई आपके आरक्षण में तो हम किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और 10% आरक्षण हम सवर्णों को दे रहे हैं। आप लोग भी खामोश रहे, चुप रहे, बोले हां भाई मोदी जी तो ठीक बात कर रहे हैं। अरे जो 50% आरक्षण था उसमें जिन दलितों और पिछड़ों को स्थान मिलता था उसमें से 10% कम किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया? लेकिन आपको समझा दिया गया नहीं नहीं साहब, आपका कोई नुकसान किए बगैर हमने आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी, आप लोग भी खुश हम भी खुश। और वहां क्या किया, उसमें भी क्या खेल किया, बोले 8 लाख की सीमा तक 10% आरक्षण, तो 95% जो सवर्ण है वो उधर चले गए और जो 8 लाख के ऊपर के आमदनी वाले सवर्ण है यानी जो मोदी जी के मित्रों की सूची में आते हैं उनको 5% की आबादी को 40% जनरल कैटेगरी का दे दिया रिजर्वेशन। और इतना बड़ा खेल हो गया, हम लोग पार्लियामेंट में चिल्लाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं, पास हो गया। संविधान के साथ, देश के संविधान की मूल भावना के साथ ये सरकार जिस प्रकार का खिलवाड़ कर रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजादी के 72 सालों में इतना मजाक देश के संविधान के साथ नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार कर रही है। इसके लिए हमको आपको सचेत हो जाना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और आज उस देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में क्या हो रहा है, कोई कह रहा जय श्री राम, कोई कह रहा अल्लाह हो अकबर, कोई कह रहा जय मां काली, कोई कह रहा राधे राधे। मैं आप लोगों के सामने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं इन नारों से कुछ लोग खुश हो सकते हैं लेकिन देश का संविधान नहीं बचेगा। ये लोकतंत्र का मंदिर जो है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की रक्षा के लिए है, ये जय श्री राम और अल्लाह अकबर का नारा लगाने के लिए नहीं है। वहां नीतियां बनती हैं, क्या नीतियां होंगी इस देश के आदिवासियों के लिए, क्या नीतियां होंगी इस देश के दलितों के लिए, क्या नीतियां होंगी इस देश के पिछड़ों के लिए, क्या नीतियां होंगी इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए, वंचितों के लिए, ये बनाने, वो नीतियां बनाने के लिए पार्लियामेंट है। आप समान शिक्षा के ऊपर बात नहीं करते, शिक्षा के निजीकरण पे आप बात करते हैं। आप कह रहे 400 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं इसलिए कि विदेशी छात्र आके यहां पर पढ़ सके और उनकी यूनिवर्सिटी आप खोलने जा रहे हैं। पहली बात तो 400 करोड़ रुपए का बजट ही आपका एक मजाक, फिगर ऐसे ऐसे लेके कह रहे हैं 50 लाख करोड़ रुपए रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाहिए इसलिए हम उसको पीपीपी मॉडल के तहत डेवलप करेंगे। अब ये पीपीपी मॉडल क्या है, सड़क बनाने में पीपीपी मॉडल, उसके बाद 50 टोटो अभी पंजाब के साथ ही है, जितनी पीपीपी मॉडल की सड़कें बनी है लखनऊ से अगर आपको दिल्ली आना है तो 700 रुपए कार का आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, कार खरीदिए तो रोड टैक्स देना पड़ता है और उसके बाद टोल टैक्स देना पड़ता है। तो पीपीपी मॉडल यह है कि सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा और वो पैसा आपसे वसूला जाएगा। शताब्दी ट्रेन निजी हाथों में, रेलवे स्टेशन निजी हाथों में, रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू, जब सरकारी कर्मचारी खत्म निजी हाथों में तो आरक्षण अपने आप खत्म, आरक्षण खत्म, आपको सरकार में नौकरियों का जो अवसर मिलता है वो अपने आप खत्म, अगर पीएसयू खत्म तो जो आरक्षण की व्यवस्था है खत्म, वहां जो आपको लाभ मिलता है नौकरियों में वो खत्म। तो एक बड़ी योजना इनकी क्या है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और सरकार चल किसके लिए रही है, 5,53,000 करोड़ रुपए का कर्जा मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में अब तक मिला के 5,53,000 करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। कितना, 5,53,000 करोड़ का।
और अंग्रेजी में उसको बोल देते हैं अरे ये तो एनपीए हो गया, एनपीए हो गया, 8,55,000 करोड़ का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये बैंकों में पैसा किसका जमा है? इस देश के कर्मचारी का पैसा है, किसान का पैसा है, मजदूर का पैसा है, आम आदमी का पैसा है। बैंकों में जो हमारा पैसा जमा है उसी पैसे को उठा के तुम अडानी को देते हो, अंबानी को देते हो, नीरव मोदी को देते हो, मेहुल चौकसी को देते हो, विजय माल्या को देते हो, ललित मोदी को देते हो, और वो हजारों करोड़ लूट कर हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाते हैं, विदेश में हमको बैठ कर चिढ़ाते हैं। ये हमारे पैसे की लूट है, मैं ये कहना चाहता हूं, खुली लूट है। आप कर्ज कर्ज में है तो आपका एनपीए नहीं होगा। आप कहिए हम गरीब हैं, हमने 2 लाख का कर्जा लिया था, सरकार हमें माफ कर दो, कहेंगे नहीं, तुम्हारी तो तहसील में भी फोटो लगेगी, गांव में भी फोटो लगेगी, गांव पे भी चिट्ठी चिपका दी जाएगी और कालर पकड़ के तुमको तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाएगा। तो मोदी जी की सरकार कहती है कि 9,000 का कर्जा लोगे तो हवालात में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज पे बैठाकर विजय माल्या की तरह तुमको लंदन में छोड़ दिया जाएगा। यह है सरकार की पॉलिसी, यह है सरकार की नीति। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की नौकरी आउटसोर्सिंग, ड्राइवर की नौकरी आउटसोर्सिंग, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आउटसोर्सिंग, लिपिक की नौकरी आउटसोर्सिंग, यानी जितने भी सरकारी कर्मचारियों में आपके लिए नौकरी की कहां कहीं भी लिपिक से लेके और सिक्योरिटी गार्ड तक में जो भी संभावनाएं हैं सब खत्म करो, सब खत्म करो, निजी हाथों को दे दो। ये जो बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की जो नीति है, इसके बारे में अगर हमने आपने नहीं सोचा तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बड़ी निराशा हम सबको होने वाली है। जरूरत इस बात की है कि आज मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाया जाए। दुर्भाग्य से मुद्दे राजनीति के केंद्र में नहीं है। 2014 में एक सरकार बनी जो कहती है इतना काला धन लाएंगे कि 15 लाख हर खाते में जमा हो जाएगा, 15 पैसे आपके खाते में नहीं आए। जो आपके पैसे जमा थे घरों में, आपने रखे थे 1,500 के नोट, मोदी जी ने कहा माताओं बहनों संदूक में जो आपने 1,500 की नोट रखी है वो काला धन है, उसको निकाल के बैंक में जमा कर दो। 100 जिंदगियां लाइन में लग के खत्म हो गई, और अगर कोई उस पर सवाल करते थे हम जैसे लोग तो कहते थे कि आप बताइए सेना पे जवान मर रहा है, आप लाइन में लग के राष्ट्रवाद नहीं कर सकते। एक तो राष्ट्रवाद का एक बड़ा भूत है जिसको भाजपा ही डिफाइन करते हैं। ये कौन से लोग हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं? वो लोग जिन्होंने 42 के आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया, वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं? जिन्होंने अभी अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जिन्होंने पठानकोट में आईएसआई को बुलाकर जांच कराई, जो नवाज शरीफ के साथ सेवई और साड़ी का डिप्लोमेसी का खेल खेलते हैं, वो आपको राष्ट्रवाद सिखाते हैं, देशभक्ति सिखाते हैं? हमको किसी से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए, बुनियादी जरूरतें जो है हमारी उसको पूरा करो। ये नकली नारों में उलझाना बंद करो। हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, अगड़ा के नाम पे, पिछड़ा के नाम पे, जब जिस कहते हैं मोदी जी कहते हैं हम तो सबसे पिछड़े हैं। मोदी जी कब शामिल हुए पिछड़े में मालूम है आपको? जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी जाति को अति पिछड़ा में, मोस्ट बैकवर्ड में शामिल कर लिया, अब वो पिछड़े हो गए। तो कल को योगी बाबा आगे कौन सा परिवर्तन अपने यहां कानून में करके कौन सी जाति को पिछड़ा और दलित में कर लेंगे आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, और फिर आप ही को बताएंगे कि हम ही सबसे पिछड़े और हम ही सबसे दलित हैं। शुरू भी कर दिया, बजरंग बली को ले भी आए उस श्रेणी में। 17 जाति में ऐसी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाना पड़ेगा। आपसे कहा गया 2 करोड़ सरकारी नौकरियां हर साल देंगे, चुनाव में उसकी चर्चा नहीं। आपसे कहा गया काला धन ला के 15 लाख हर खाते में देंगे,
चुनाव में उसकी चर्चा नहीं। आपसे कहा गया किसानों को फसल का डेढ़ गुना दाम देंगे, चुनाव में उस पर कोई बातचीत नहीं। आपसे कहा गया महिलाओं को सुरक्षा देंगे, चुनाव में उस पर कोई बातचीत नहीं। आपसे कहा गया डॉलर तो 40 रुपए में हो जाएगा और पेट्रोल 39 रुपए में हो जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान ने देखा कि 250 रुपए किलो दाल बिकी, 200 रुपए किलो टमाटर बिका, 95 रुपए लीटर पेट्रोल बिका, महंगाई आसमान छू गई। लेकिन चुनाव में वो मुद्दा नहीं, चुनाव में बालाकोट आ जाता है, चुनाव में पुलवामा आ जाता है, चुनाव में हिंदू आ जाता है, चुनाव में मुसलमान आ जाता है, चुनाव में गाय आ जाती है, चुनाव में बकरी आ जाती है, चुनाव में हिंसा और नफरत की राजनीति चलती है। नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं बनेगा, मोहब्बत की और एकता की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनेगा। इस बात को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ कि हम सब मिलकर एक नया हिंदुस्तान बनाने के लिए, ये मोदी जी वाला नया हिंदुस्तान नहीं, जिस नए हिंदुस्तान में मारपीट और नफरत की शिक्षा दी जा रही है, हम एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बनाएंगे, विविधता में एकता वाला हिंदुस्तान, जहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मिलकर रह सकें, सम्मान की जिंदगी जी सके। एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं और जो भी सुझाव आपके संगठन के माध्यम से हम लोगों को मिलेगा राज्यसभा में, उसको उठाने के लिए, उस मुद्दे पर अपनी बात कहने के लिए हमेशा सदैव आप सबके साथ तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया।